हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्टे हूँ। आज मैं अपने जो थर्ड फ्लोर पे अडेनियम थे उनको मैं आज सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि क्या हो गया है यहाँ पे धूप बहुत, मतलब धूप तो लगती है लेकिन रात को ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर से मिट्टी भी ठीक से चेक नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से जितने भी प्लांट हैं मेरे धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं। तो चलिए, इनको मैं आज शिफ्ट कर देती हूँ सेकेंड फ्लोर पर, और रात को मैं थोड़ी सी कुछ चादर वगैरह डाल दूँगी उसके ऊपर, या तो कोई पॉलीथीन डाल दूँगी। थोड़ा सा गार्डन अस्त व्यस्त हो गया इधर उधर जमाने में। तो ये देखिए, यहाँ पर लाकर मैं शिफ्ट कर रही हूँ इनको, क्योंकि और जगह भी नहीं है कहीं पर। यहाँ मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है। तो बाकी के तो प्लांट पहले यहीं पर थे, जो प्लांट नहीं थे उनको मैं उठा लाई, आज उठा कर ला ही रही हूँ अभी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पर अब थोड़ी सी धूप भी आने लगी है, धूप लगेगी इनको, और साथ में मैं इनको चेक भी करती रहूँगी, क्योंकि ये सेकेंड फ्लोर पर मैं हमेशा यहीं पर रहती हूँ, तो देखती रहूँगी किस में पानी कमी है और किस में पानी ज़्यादा है। तो उस तरह से वैसे तो अभी ये धूप में रखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम को इनको रख लूँगी, लेकिन जिनमें पानी नहीं है उनको मैं नीचे ले जा कर के पानी दूँगी अभी सब में। ये देखिए, बिल्कुल मिट्टी ड्राई हुई है, ग्रोथ अच्छी चल रही है, लेकिन विंटर क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ठंड ज़्यादा होने की वजह से प्लांट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठंड से ही बचाना होता है थोड़ा सा विंटर में। अभी देखिए, इसकी ग्रोथ भी न्यू कितनी अच्छी स्टार्ट हुई है, बस ये ख़राब ना हो। दो प्लांट मेरे आज ख़राब हो गए, तो मुझे अब थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। और यहाँ से उठा करके मैं बहुत सारे प्लांट लेके जा चुकी हूँ, यहाँ पे रखे हुए थे। देखिए, वहाँ से मैंने वो वाले प्लांट मैंने सारे हटा दिए, उधर उस साइड पे शिफ्ट कर दिया है, वहाँ पर वो देसी हैं सारे, ये भी देसी हैं जो अभी यहाँ पे रखे हैं। तो इनको मैंने थोड़ा किनारे कर लिया, क्योंकि यहाँ तक पानी नहीं डाल पाती थी, वो हाथ नहीं पहुँचता था वहाँ पर, तो इसीलिए। तो इनको अभी थोड़ा सा धूप में रहने दूँगी यहीं पर, जिनमें पानी नहीं है उनको ले चलते हैं नीचे, तो पानी दे देती हूँ। देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, लेकिन मिट्टी को एकदम से ड्राई मत रखिए। मिट्टी ड्राई रखेंगे तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा और तभी गलना नीचे से शुरू हो जाता है। पहले सूख जाता है, फिर बाद में आप अचानक से पानी देते हैं तो वही कंडीशन होती है प्लांट के ख़राब होने की। ये देखिए, हमने पानी भी दे दिया यहाँ पर, और थोड़ा सा मैं सोच रही कि लंचों को थोड़ा और किनारे शिफ्ट करके मैं इनको यहीं पर शिफ्ट कर दूँ। देखिए, एक प्लांट ये ख़राब हो गया, आज यहाँ से पूरा गल गया, इधर से देखिए अच्छा है, इधर से गल गया। ग्राफ्टिंग वाला प्लांट था, काफ़ी खूबसूरत सी ग्राफ्टिंग की थी मैंने इसमें, और एक प्लांट और ख़राब हुआ कहीं पर, उसको भी दिखाती हूँ अभी मैं आपको। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनानी पड़ेगी तभी आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं है मेरे गार्डन में। इधर देखिए, कुछ कलांचो रखे हुए हैं, और इनको साइड किनारे करके पीछे अडेनियम रख देंगे, ताकि इनको धूप भी मिले अच्छे से। देखिए, एक तो वेड्स ने परेशान कर रखा है, नीचे से उखाड़ नहीं सकती अभी, क्योंकि रूट्स पूरी ओपन हो जाती है, और ऊपर से ही तोड़ देते हैं। चलिए, तो ये देखिए, आज इसका भी एक प्लांट ख़राब हो गया। तीन कटिंग लगाई थी मैंने इसमें, और तीनों में ग्राफ्टिंग की थी, तो दो तो बहुत अच्छे से अभी भी हैं, लेकिन हिल भी गया साथ में। वो प्लांट मैंने निकाल दिया, क्योंकि पूरा गल चुका था वो प्लांट। तो देखती हूँ अब ये ख़राब ना हो तो अच्छा है, ठीक है अगर चल जाता है, क्योंकि जैसे फरवरी आ गया वो बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं ये सारे प्लांट हमारे, पर ये फरवरी तक बचे रहे तब। एक प्लांट देखिए और बिल्कुल मरने की कंडीशन पर था, इसको भी मैंने बचाया है, देखते हैं कब तक ये बचा रहता है। तो चलिए, और प्लांट ला करके यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो इतने प्लांट मैंने आज यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, और एक पीछे प्लांट है उसकी भी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा सा चेक करती रहूँगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया इनको, और नहीं भी कवर करूँगी तो कम से कम पानी तो चेक कर पाऊँगी, पानी ज़्यादा कम ना होने पाए, बस यही ध्यान रखना है। और सारे जो सितंबर में गलती करी, सितंबर में ग्राफ्ट करके, अगर जुलाई में कर देती तो ये बहुत अच्छे से मैच्योर हो चुके होते सारे प्लांट। जो प्लांट मैंने अगस्त में किए थे उनकी देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है, दो तीन प्लांट ही किए थे अगस्त में, बाकी के सारे प्लांट मैंने सितंबर में किए, सितंबर के लास्ट वीक तक मैंने ग्राफ्टिंग की थी, तो उन्हीं में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो बस यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे धूप भी आ रही है, और यहाँ से मैं नज़र भी रख सकूँगी इन पे, और भी अभी कुछ सीढ़ी में रखे हुए प्लांट उनको भी ला कर रख लूँगी। तो बस फ्रेंड्स, यही आपको बताना था कि आप ही अपने जो अडेनियम के प्लांट हैं उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, मतलब अच्छा जगह पर रखिए, ताकि आपकी नज़र उन पर बनी रहे और आपके प्लांट अच्छे हेल्दी चलते रहें। तो ये देखिए, दो प्लांट आज मेरे फिर से ख़राब हो गए, और ये है ज़्यादा ठंड और पानी न देने की वजह से, पानी नहीं दिया था इस वजह से प्लांट मेरे नीचे से भी, मतलब पहले तो ड्राई हो गए और बाद में देखिए इस तरह से ये
ये बहुत अच्छी इनकी जो ग्राफ्टिंग थी काफ़ी अच्छी सक्सेस हो गई थी और बहुत अच्छे से चल भी रहे थे। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिया है, इस शार्प ब्लेड है, बिल्कुल न्यू ब्लेड लेकर आई हूँ मैं। तो इसी को मैं कट करूँगी, ये पार्ट मैं पूरा कट कर दूँगी और उसके बाद इनको एक दो दिन बाद में रिपोर्ट करूँगी। कुछ प्लांट मेरे और भी ख़राब हुए थे, ये देखिए एक प्लांट यहाँ पर भी ख़राब हुआ था, इसको मैंने कट भी नहीं किया, चाहती तो मैं इसको बचा सकती थी। ये देखिए तो बस इसकी ब्रांच बस यही रह गई है, बाकी तो पूरा गल गया ये पार्ट पूरा, ये भी ग्राफ्टिंग वाला पार्ट था और ये देखिए पूरी ये गल करके ख़त्म हो गई। तो अभी इस सीज़न में उसे कटिंग लगना मुश्किल है थोड़ा सा, पर फिर भी कोशिश करूँगी इनको मैं सैंड में अभी लगा दूँगी, दो तीन दिन के बाद लगा दूँगी, आज तो नहीं लगाऊँगी। एक देखिए भी लगभग पाँच छः प्लांट मेरे ख़राब हो चुके हैं, ये देखिए एक ये भी ख़राब हो गया था उस दिन, यहाँ पे यहाँ से कट करती तो उस दिन बच जाता, लेकिन देखिए आज ये यहाँ तक पहुँच गया, मैंने पहले कट नहीं किया और अब देखिए सिर्फ इसकी ब्रांच ही बची, तो ये क्या ही बचेगा। एक दो देसी वाले भी ख़राब हुए थे, ये देखिए ये भी ख़राब हुआ था और एक ये ख़राब हो गया था, ये देखिए इस तरह से। तो कई सारे प्लांट मेरे इस समय ठंड की वजह से ख़राब हो गए हैं। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, चलिए मैं इसको कट कर लेती। तो ये देखिए मैंने यहीं से कट किया, नहीं तो मैं चाहती तो थोड़ा सा इसको और नीचे से करने की कोशिश करती, पर ये देखिए इधर से ये पूरा गला हुआ है और ये पूरा मतलब ड्राई हो गया है, ड्राई होने की वजह से ये ख़राब हो गए, मतलब कम पानी मिलने की वजह से ये ख़राब हो गए। पहले पानी कम हुआ और बाद में अचानक से मैंने इनको पानी दिया तो वही ये सहन नहीं कर पाया, ऊपर से ठंड भी इस समय काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको भी हम थोड़ा सा इसका शेप को और बराबर कर लेते हैं। चलिए तो ये देखिए इसका भी इतना ऊपर से ही मैंने कट कर लिया, क्योंकि नीचे का ये भाग पूरा गला है, यहाँ से थोड़ा ठीक था पर एक साइड ठीक है और एक साइड ये यहाँ तक गल चुका था। वैसे यहाँ से अगर हम कट करते थोड़ा सा और बचा सकती थी मैं इसको, इस साइड सही है और इसीलिए सिर्फ इतनी ही ब्रांच बच पाई है। तो लगा दूँगी, कोशिश करती हूँ ये शायद बच जाए, क्योंकि दोनों ग्राफ्टिंग पार्ट हैं तीनों ही, ये देखिए ग्राफ्टिंग वाले हैं और अभी अभी इस समय किसी में ग्राफ्ट भी नहीं कर सकते, ग्राफ्टिंग का कोई मतलब नहीं होगा, नहीं तो ऊपर की ब्रांच इनकी कट करके मैं किसी में भी ग्राफ्ट करती, ऊपर से क्या यहाँ से कट करके मैं किसी में ग्राफ्ट कर देती तो भी बच सकता था प्लांट, पर ठीक है देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा इसका, और बचेगा तो बचेगा नहीं तो फिर अब फरवरी में तो अभी ग्राफ्टिंग करनी है मुझे। ये भी देखिए ब्रांच ये सिर्फ ग्राफ्टिंग करने के लायक ही बच रही है, ये यहाँ से भी अभी थोड़ी सी ख़राब है, देखते हैं कोई ऐसी ब्रांच ढूंढ करके मैं किसी में सोच रही हूँ इसको ग्राफ्ट ही कर दूँगा, तो ये जो ब्रांच है मेरी सेफ हो जाएगी। ये इतना बाग ब्लैक हो चुका है ये यहाँ से, लेकिन सही है ये सही है, तो ये मैं किसी में ग्राफ्ट कर सकती हूँ इसको, और ग्राफ्टिंग के बाद ये वाला पार्ट जो है ये बच जाएगा। तो देखते हैं इसको, तो बस आप भी एडेनियम को अभी थोड़ा सा बचाने की कोशिश कीजिए, बस एक महीना और, ये दिसंबर तो ख़त्म हो गया लेकिन अभी जनवरी का मंथ फिर भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ताकि आपके एडेनियम बचे रहें, और ऐसी जगह पे उनको शिफ्ट करिए जहाँ पे धूप भी अच्छी मिल सके और आप चेक भी करते रहें। प्लांट को चेक नहीं करेंगे तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, आपकी नज़र उन पर हमेशा बनी रहनी चाहिए, जो प्लांट आपकी नज़रों से दो चार दिन के लिए भी थोड़ा सा आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वही प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिए, और इतना ध्यान रखते हैं तो आपको प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहेगा। तो अब देखिए जितने भी ग्राफ्टेड प्लांट थे मैंने यहीं पे सारे शिफ्ट कर लिए, इधर भी सारे ग्राफ्टेड वाले ही हैं, उधर भी ग्राफ्टेड हैं पूरे, और कुछ वहाँ पे दीवार में भी रखे हुए हैं, देखिए दीवार के ऊपर भी रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं देखती रहूँगी इनको और इन पर थोड़ा सा ध्यान भी बनाए रखूँगी, तो ये अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।